हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर सिस्टम। और आज के वीडियो में हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम के ही एमसीक्यूज को कंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें मैक्सिमम मैंने आपका जो एमसीक्यू उठाया है दैट्स फ्रॉम इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट एंड दिस शेड्यूलिंग, ठीक है। तो ये सारे एमसीक्यूज इसी पोर्शन से रिलेट करेंगे और क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, तो मैं बहुत और क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा भी हैं तो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में कंसेप्ट तो नहीं दे पाऊँगी, पर आपको एक ओवरव्यू ज़रूर दे दूँगी, ठीक है, शॉर्ट में, ठीक है। अगर हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन टाइप का लेते हुए चलेंगे हर चीज़ का, ठीक है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले एक बार मैं आपको हार्ड डिस्क का आर्किटेक्चर रिकॉल करा दूँ, मैंने पहले भी एक सेपरेट वीडियो में बताया है, एक बार मैं और बता देती हूँ। आपका हार्ड डिस्क जो होता है इसमें आपके पास कई सारे प्लैटर्स होते हैं, ठीक है। ये सारे क्या होते हैं? प्लैटर्स, ठीक है। और हर एक प्लैटर पे आपके पास दो सरफेस होता है, जैसे आप अपना हाथ देखिए तो एक पाम वाला एरिया है और एक नीचे की तरफ है, ठीक है। तो आपके पास ये हर एक प्लैटर पे दो सरफेस हो गए, ठीक है। और ये जितने भी प्लैटर्स होते हैं ये एक स्पिंडल से कनेक्टेड रहते हैं, फाइन। अच्छा, अब अगर हम एक पर्टिकुलर प्लैटर की बात करें तो हर एक प्लैटर को आप किस में डिवाइड करके रखते हैं? ट्रैक्स में। ये जो सर्कुलर डिवीजन होता है ना, ऐसे इस तरीके से जैसे मैं अभी बना रही हूँ, ये आपका क्या होता है? ये ट्रैक होता है, ठीक है। और आप इसके बाद देखिए, पहले ट्रैक बना लें उसके बाद बताते हैं। फिर इसके बाद आप ये ट्रैक्स जो होते हैं इसको इस तरीके से डिवाइड करते हैं, देखिए जैसे मैं लाइन खींच रही हूँ ऐसे, ठीक है। तो ये जो डिवीजन होता है, अब जो फाइनल आपका डिवीजन बन के आया इसे हम क्या कहते हैं? सेक्टर्स, ठीक है। अब जो बन के आया ये सेक्टर है, तो मतलब ये जो सर्कुलर डिवीजन होता है इसको हम एक एक ट्रैक कहते हैं, ठीक है। और जब हम इस तरह से डिवाइड करते हैं तो जो आपका फाइनल स्टोरेज यूनिट बन के आता है, ये जो स्मॉल स्मॉल स्पेसेस मिल रहे हैं ये हमारे सेक्टर बन गए, ठीक है। अच्छा, ये तो हुआ स्ट्रक्चर की बात। अच्छा, एक चीज़ और मैं बताऊँ कि अगर ये जो आपके पास ट्रैक्स है, ठीक है, इन ट्रैक्स को अगर आप ऐसे हर एक प्लैटर के ट्रैक्स को इस तरह से आपस में जोड़िए तो ये सिलेंडर्स को फॉर्म करेंगे, है ना। जो सबसे देखिए इंटरनल वाला, सारे इंटरनल वाले से कनेक्ट हुआ तो पहला सिलेंडर बन गया, तो दूसरा सिलेंडर बन गया, ठीक है। तो आपने देखा होगा जो वाले एमसीक्यूज, मतलब वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, डिसशेड्यूलिंग वाले, डिसशेड्यूलिंग, उसमें लिखा रहता है कि ये सिलेंडर पे मूव करना है। तो आप सोचते होंगे कि डिस स्ट्रक्चर में सिलेंडर तो कभी ध्यान ही नहीं दिया। तो ये जब आप लेवल वाइज जो सारे प्लेटर्स के जो ट्रैक्स होते हैं एक्चुअली उनको जब आप कनेक्ट करते हैं, देखिए जैसे मैं कनेक्ट कर रही हूँ, ठीक है, तो ये आपका क्या बन जाता है? एक सिलेंडर का फॉर्म शेप करता है। देखिए ये ऐसे है, ठीक है। तो दूसरा वाला भी आपका जो प्लेटर है वो भी इसी तरह से सेम उसी तरह का डिवीजन है, ठीक है। तो ये इंटरनल पार्ट, इंटरनल वाले से फर्स्ट सिलेंडर, दूसरा वाला दूसरे वाले से, तीसरा वाला तीसरे वाले से, चौथा वाला चौथा वाले से, इस तरह से जितने आपके पास ट्रैक्स हैं उसी तरीके से हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो एक सेकेंड मैं थोड़ा पीछे जाऊँगी, आपको बताती हूँ। वन सेकेंड यस। तो यहाँ पे आपके पास हेड होता है, ठीक है, मैं इधर बना दे रही हूँ। इस ये हमारे पास ये हेड है, ठीक है, सॉरी ये मतलब ये तो आम है, यहाँ पे इसका नाम मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा है, इसे यहाँ से एक आपके पास हेड लगा हुआ है, ठीक है, मुझे याद आएगा तो मैं बताती हूँ। तो ये हमारा हेड है, ठीक है। हेड का जो मूवमेंट होता है ये बैक एंड फोर्थ होता है, आगे पीछे, जैसे मैं ये पेन को मूव कर रही हूँ, ठीक है। अच्छा, और जो आपका ये स्पिंडल है ये आपका सर्कुलरली रोटेट करता है, ठीक है। तो देखो अगर हेड को, है ना, ये हेड को कब मूव करना पड़ेगा? जब आपको किसी पर्टिकुलर ट्रैक तक जाना है, ठीक। लेकिन अगर आपको किसी पर्टिकुलर सेक्टर तक पहुंचना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? स्पिंडल को रोटेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम आते हैं क्वेश्चंस पे, मेरे ख्याल से आप मैक्सिमम क्वेश्चन आप इससे रिलेटेड आप समझ जाएंगे, ठीक है। द टाइम टेकन टू मूव द डिस्क आर्म टू द डिजायर्ड सिलेंडर इज कॉल्ड। तो आपके पास जो डिस्क आर्म है उसको डिजायर्ड सिलेंडर तक ले जाने के लिए, या फिर जो डिस्क हेड है जो रीड और राइट का काम करता है उसे डिजायर्ड सिलेंडर, सिलेंडर की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो डिजायर्ड सिलेंडर इज कॉल्ड व्हाट? इट इज़ पोजिशनिंग टाइम, रैंडम एक्सेस, सीक टाइम एंड रोटेशन लेटेंसी। तो अगर किसी डिजायर्ड सिलेंडर या डिजायर्ड ट्रैक तक की बात हो रही है तो दैट इज़ योर सीक टाइम, ठीक है। आपको ट्रैक तक पहुंचना है तो आपको क्या मूव करना पड़ेगा? हेड को मूव करना पड़ेगा, ठीक है, डिस्क आर्म को मूव करना पड़ेगा। अच्छा, द टाइम टेकन फॉर द डिजायर्ड सेक्टर टू रोटेट द डिस्क हेड इज कॉल्ड। तो आपके पास अब डिजायर्ड सेक्टर की बात हो रही है ना, तो सेक्टर तक पहुंचना है तो आपको स्पिंडल को रोटेट करना पड़ता है, तब आप कहीं सेक्टर तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं रोटेशन लेटेंसी, ठीक,
दो क्वेश्चंस तो सॉल्व हो गए। अब नेक्स्ट आते हैं, द फ्लॉपी डिस्क इज डिजाइन टू रोटेट एज कंपेयर टू हार्ड डिस्क ड्राइव। तो इसका जवाब है, आपके पास ऑप्शन है फास्टर, स्लोअर, एट सेम स्पीड, नन ऑफ द मेंशन। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, द फ्लॉपी डिस्क इज डिजाइन टू रोटेट स्लोअर, स्लोअर एज कंपेयर टू द हार्ड डिस्क ड्राइव। फाइन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो व्हाट इज डिस्क बैंडविड्थ? तो इसका जवाब हम इसी क्वेश्चन से दे देंगे, डिस्क बैंडविड्थ भी आपको रिकॉल हो जाएंगी अगर आप चीज़ें भूल गए हैं। तो इट इज़ द टोटल नंबर ऑफ बाइट ट्रांसफर्ड, नो, टोटल टाइम बिटवीन द फर्स्ट रिक्वेस्ट फॉर सर्विस एंड द कंप्लीशन ऑफ लास्ट ट्रांसफर, नो, ठीक है। थर्ड वन इज द टोटल नंबर ऑफ बाइट्स ट्रांसफर्ड डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम बिटवीन द फर्स्ट रिक्वेस्ट फॉर सर्विस एंड द कंप्लीशन ऑन द लास्ट ट्रांसफर। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो ये आपका हो गया डिस्क बैंडविड्थ, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ बाइट्स ट्रांसफर डिवाइड बाय टोटल टाइम बिटवीन द फर्स्ट रिक्वेस्ट फॉर सर्विस एंड द कंप्लीशन ऑन दैट लास्ट ट्रांसफर, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ऑप्शन सी करेक्ट। द सेट ऑफ ट्रैक्स दैट आर एट द एट वन आर्म पोजिशन मेक अप। तो आपके पास अभी मैंने बताया ना कि ये जो सेट ऑफ जो ट्रैक्स हैं, ठीक है, जो सेम पोजीशन पे हैं, वो आपस में कनेक्ट होके क्या बनाते हैं, ये क्या बनाते हैं, सिलेंडर्स बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है। तो सेट ऑफ ट्रैक्स दैट आर एट वन आर्म पोजीशन मेक अप अ सिलेंडर, फाइन। द हेड्स ऑफ द मैग्नेटिक डिस्क आर अटैच्ड टू व्हाट दैट मूव्स ऑल द हेड एज अ यूनिट। तो जो हेड होता है मैग्नेटिक डिस्क का, वो किससे कनेक्टेड होता है, दैट इज कनेक्टेड विद द डिस्क आर्म। ये मैंने नाम लिया था लेकिन मुझे थोड़ा सा दिमाग से उतर गया था। तो ये जो हम कह रहे थे ना, ये है जिससे आपका ये हेड कनेक्टेड होता है, दैट इज योर डिस्क आर्म, ओके। डिस्क आर्म मैंने नाम लिया था पर थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, दिमाग से उतर गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। व्हेन अ प्रोसेस नीड इनपुट आउटपुट टू और फ्रॉम ए डिस्क इट इशूज। जब किसी भी प्रोसेस को इनपुट आउटपुट परफॉर्म करना होता है डिस्क से या डिस्क की तरफ, ठीक है, डिस्क को, ठीक है, तो वो क्या करेगा, सिस्टम कॉल टू द सीपीयू, सीपीयू के लिए सिस्टम कॉल जनरेट करेगा, या सिस्टम कॉल टू ऑपरेटिंग सिस्टम, स्पेशल प्रोसीजर और ऑल ऑफ द मेंशन। तो देखिए, जो ये सिस्टम कॉल है दैट इज रिलेटेड टू द ऑपरेटिंग सिस्टम, सीपीयू का इससे कोई लेना देना नहीं है। सारी मैनेजमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप सब जानते हैं, मेमोरी मैनेजमेंट, आईओ मैनेजमेंट, डिस्क मैनेजमेंट, ये सारा कुछ ओएस करता है। तो अगर किसी प्रोसेस को आईओ रिक्वेस्ट करना है, आईओ प्रोसेसिंग करनी है, चाहे डिस्क से करनी हो, चाहे कैसे भी करनी हो, तो वो सिस्टम कॉल किसके लिए भेजेगा, टू ऑपरेटिंग सिस्टम। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। What is host controller? Host controller क्या होता है? मेरे ख्याल से ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है और आपको बहुत अच्छे से पता होगा, मैं फिर भी एक बार आपको याद दिला देती हूँ कि पहली चीज़ तो इसके कई सारे नाम हैं। होस्ट कंट्रोलर को आप होस्ट अडाप्टर भी कहते हैं, ठीक है, उसके बाद आप उसे होस्ट बस अडाप्टर भी कह सकते हैं, होस्ट अडाप्टर और होस्ट बस अडाप्टर, दोनों नाम है, ठीक है। अब इसका काम क्या होता है, जो भी कंप्यूटर एज अ होस्ट काम कर रहा होगा, ठीक है, उसको दूसरी हार्डवेयर डिवाइसेस या दूसरी स्टोरेज डिवाइसेस से कनेक्ट करने के लिए हमें होस्ट कंट्रोलर की ज़रूरत होती है, ठीक है। अब होस्ट कंट्रोलर क्या है, हार्डवेयर है कि सॉफ्टवेयर? तो ये एक हार्डवेयर है जिसे आप अडाप्टर भी कहते हैं। ये आपके जो सिस्टम है, जो कंप्यूटर है, विच इज़ एक्टिंग एज अ होस्ट, उसको आपके दूसरे हार्डवेयर या दूसरे स्टोरेज डिवाइसेस से कनेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। सो व्हाट इज़ होस्ट कंट्रोलर? कंट्रोलर बिल्ट एट द एंड ऑफ ईच डिस्क, कंट्रोलर एट द कंप्यूटर एंड ऑफ द डिस्क, ऑल ऑफ द, सो कंट्रोलर एट कंप्यूटर एंड ऑफ द बस, ठीक है। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर बी हमारा सही, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट डिस्क आर्म शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। अब शेड्यूलिंग एल्गोरिथम से रिलेटेड क्वेश्चन है, चलो देखते हैं। अब बहुत ध्यान से देखना, यहाँ पे कहा है नॉट ट्रू अबाउट द शेड्यूलिंग एल्गो, ठीक है, तो चलो देखते हैं। SSTF, shortest seek time first algorithm increases the performance of FCFS. Yes, of FCFS से better performance देता है आपका SSTF, सही है। The number of requests for disk service are not influenced by the file allocation method. So this option is incorrect. ठीक, और चेक कर लेते हैं। Caching the directories and index blocks in main memory can also help in reducing the disk movement. Very good, ये भी सही है। Scan and C-scan algorithm are less likely to have a starvation problem.
ये भी सही है क्योंकि एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करते हैं और रास्ते में जो भी मिलता है उनको प्रोसेस करते चलते हैं। तो आप ये जो वाली लाइन है कि कैशिंग द डायरेक्टरीज एंड इंडेक्स ब्लॉक इन मेन मेमोरी कैन ऑल्सो हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द डिस्कार्ड मूवमेंट, ऑब्वियसली आप फाइल्स को किस तरह से एलोकेट कर रहे हैं, किस तरह से इंडेक्सिंग कर रहे हैं, ठीक है, फाइल एलोकेशन का बहुत बड़ा रोल है इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द डिस्क एक्सेस टाइम, ठीक है। तो ये तीनों ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए, सी और डी, ये तीनों सही हैं। जो गलत है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। तो इस क्वेश्चन के लिए क्योंकि ये पूछा है नॉट ट्रू, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, तो मैंने आपको डिसशेड्यूलिंग के प्रॉब्लम्स पहले ही बताए हैं। एक क्वेश्चन मैंने इसलिए ऐड करके रखा है कि आपको एक आइडिया मिल जाए कि किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे तो सिर्फ फीफो FCFS लिया गया है, ठीक है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर। आपको हो सकता है दो अल्गोरिथम को कंपेयर करने के लिए कह दिया जाए कि किसका जो है डिस्क मूवमेंट, मतलब जो मूवमेंट्स हैं किसके कम होंगे किसके ज़्यादा होंगे, इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। तो देखो, आपको कहा गया है कि आपका जो डिस्क हेड है वो अभी 32 पोजीशन पे है और आपको ये प्रोसेसिंग करनी है। तो अगर मैं इसको बनाऊं तो ये मेरा आ जाएगा 32 यहाँ कहीं पे, 14 यहाँ पे आ जाएगा, 37 को हम इस तरह से रख लेंगे, इसके बाद हमारा 98 नहीं 65 रखेंगे, फिर हम यहाँ पे 98 रख ले रहे हैं, 98 के बाद हम क्या रखेंगे 124। अब रिक्वेस्ट के सीक्वेंस में आ रही है, सबसे पहले हमें 98 पे जाना है, करंट पोजीशन हमारी 32 है, 32 से हम जाएंगे 98 पे, फिर 98 से फिर हम आएंगे 37 पे, 37 से हम कहाँ आएंगे 14 पे आएंगे, ठीक है, एरो बनाते जाएंगे कहाँ से कहाँ चल रहे हैं, फिर यहाँ से आएंगे हम 14 पे, 14 से हम पहुँच जाएंगे 124, ये रहा 124। तो 14 से हम पहुँचेंगे 124 यहाँ पे, 124 से फिर आएंगे हम 65 यहाँ पे कहीं, ठीक है। तो ये आया 65, सॉरी 65 है, देन 67, 67 तो मैंने मेंशन ही नहीं किया, तो ये मेरा मान लो 67 है, तो हम यहाँ से मूव कर जाएंगे यहाँ पे, दैट इज 67, ठीक। तो इस तरह से जो जिस सीक्वेंस में आया है उसी सीक्वेंस में उसको फॉलो करते जाएंगे, और जो आपके पास आर मूवमेंट है कितना आपको मूव करना पड़ रहा है ये हमने यहाँ पे मेंशन कर लिया है कि जब आप सबसे पहले 98 माइनस 32 किया तो आपका 66 आया, ठीक है, फिर उसके बाद 37 माइनस 98, 14 माइनस 37, इस तरीके से आपको ये सारा मिल जाएगा। 67 माइनस 65 ऑब्वियसली आपका 2 होगा, और इसके बाद ये 124 से आप 14 माइनस करेंगे तो 110 होगा। तो इस तरह से आपको ये कैलकुलेट करना आना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया टोटल डिस्क मूवमेंट 321, सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है। और नेक्स्ट हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेड आर्किटेक्चर। तो पहले आप ये जानिए कि रेड का फुल फॉर्म क्या होता है, इट इज रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, ये हमारा पर्पस इसका क्या होता है, हम परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए या डेटा की जो क्या कहते हैं रिडंडेंसी को बढ़ाने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, कि कभी ऐसा हो कि हमारा कोई भी एक डिस्क फेल हो जाए तो हमारे पास एक बैकअप बना रहेगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं इन्होंने क्या ऑप्शंस दिए हैं, उससे भी आपको कुछ पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे अबाउट द रेड आर्किटेक्चर। उसके बाद अभी मैं आपको बताऊंगी रेड 0, रेड 1 एंड रेड 2, ये जो भी आपके पास रेड लेवल्स हैं उसकी बात हम करेंगे, ठीक है। तो रेड इज सेट ऑफ फिजिकल डिस्क ड्राइव व्यूड बाई ऑपरेटिंग सिस्टम एज ए सिंगल लॉजिकल ड्राइव, बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो आपका जो बेसिक डेफिनेशन है रेड का, इट इज सेट ऑफ मतलब कई सारे फिजिकल डिस्क ड्राइव को आप कंबाइंड करके आप एक सिंगल ड्राइव को फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो दिस इज वेरी ट्रू अबाउट द रेड आर्किटेक्चर, तो आपको तो इसमें कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए, ठीक है। इट इज सेट ऑफ फिजिकल डिस्क ड्राइव व्यूड बाई द ऑपरेटिंग सिस्टम एज सिंगल लॉजिकल ड्राइव। नेक्स्ट आते हैं, डेटा आर डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द फिजिकल ड्राइव एज एन एरे, दिस इज ऑल्सो ट्रू, एंड इट इज यूज टू स्टोर पैरिटी इंफॉर्मेशन विच गारंटीज डेटा रिकवरेबिलिटी इन केस ऑफ डिस्क फेल्योर। ये ऑप्शन भी आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। डेटा रिकवरेबिलिटी को ही हम बढ़ाने के लिए ढेर सारे फिजिकल ड्राइव को एक साथ क्लब कर रहे हैं, ठीक है। इससे हम कहीं ना कहीं अपनी परफॉर्मेंस को भी इंक्रीज कर पाएंगे, कैसे हम लोग डिस्कस करेंगे, फाइन। चलिए, ये हो गया हमारा, तो तीनों ही ऑप्शन हमारे सही हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक। अब चलो आगे के क्वेश्चंस को देखने के पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दे देती हूँ कि रेड 0 और जो लेवल्स हैं उसके क्या क्या हैं। तो रेड 0 की बात करें, ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो रेड 0 ये आपकी स्ट्रिप्स के फॉर्म में डेटा को या जो ब्लॉक्स हैं इसको उसको स्टोर करता है, तो ये स्ट्राइपिंग को फॉलो करता है, ठीक है। और यहाँ पे कोई भी डुप्लीकेशन नहीं होता, देयर इज
नो डुप्लीकेशन इन रेड जीरो, तो अगर आपका डेटा लॉस हुआ तो आप उसे रिकवर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अगर मैं रेड वन की बात करूं तो ये क्या करता है, मिररिंग के कंसेप्ट को यूज करता है, ठीक है। मिररिंग से क्या मतलब होता है कि मोर देन वन कॉपी ऑफ ईच ब्लॉक इज स्टोर्ड इन द सेपरेट डिस्क, मतलब आपके पास अगर ये डिस्क है तो आपने जैसे यहाँ पे ब्लॉक नंबर 0, 1, 2, 3 यहाँ पे स्टोर किया, तो इसका मिरर भी आप, मतलब इसका कॉपी भी आप एक स्टोर करेंगे, ठीक है। सो मोर देन वन कॉपी ऑफ ईच ब्लॉक इज स्टोर इन द सेपरेट डिस्क, दूसरे डिस्क में हम इसका कॉपी भी स्टोर करके रखेंगे, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड मिररिंग। तो ये मिररिंग के कंसेप्ट को यूज़ कर रहा है, ये स्ट्राइपिंग यूज़ कर रहा है, ठीक है। अब आते हैं रेड टू के बारे में बात करते हैं, तो रेड टू क्या करता है, दिस डज द बिट लेवल स्ट्राइपिंग, ये बिट लेवल स्ट्राइपिंग करता है, और जो आपका रेड थ्री है ये बाइट लेवल स्ट्राइपिंग करता है, ठीक है। बिट और बाइट में आप डिफरेंस समझते होंगे, बाइट लेवल स्ट्राइपिंग, ठीक। अब यहाँ पे ये कैसे करेगा, ये इसमें हैमिंग कोड को यूज़ करता है, ठीक है। हैमिंग कोड बहुत डिटेल में हम नहीं जाएंगे, मैंने ऑलरेडी बताया, टाइम कम है, तो मतलब वीडियो बड़ा हो जाएगा इसलिए। तो बिट लेवल स्ट्राइपिंग जो होता है ये हैमिंग कोड को यूज़ करते हुए बिट लेवल स्ट्राइपिंग की जाती है रेड लेवल टू में, और जो बाइट लेवल स्ट्राइपिंग है इसके साथ हम डेडिकेटेड पैरिटी को यूज़ करते हैं, डेडिकेटेड पैरिटी, ठीक है। तो आपको मैं मेन पॉइंट्स बता रही हूँ इसके बारे में। अच्छा चलिए फिर रेड लेवल फोर के बारे में आ जाते हैं, 0, 1, 2, 3 इन तीनों के बारे में हम लोगों ने बात की, यहाँ पे बिट लेवल स्ट्राइपिंग, सॉरी टू में बिट लेवल, बाइट लेवल, यहाँ पे हैमिंग कोड को यूज़ कर रहे हैं हैमिंग कोड पैरिटी, यहाँ पे डेडिकेटेड पैरिटी, ठीक है। और रेड लेवल वन में हम मिररिंग के कंसेप्ट को यूज़ करते हैं, रेड लेवल ज़ीरो में हम स्ट्राइपिंग के कंसेप्ट को यूज़ करते हैं, एंड यहाँ पे कोई डुप्लीकेशन नहीं होता है, ठीक है। अब रेड लेवल हम फोर की अगर बात करें, यहाँ पे लिखा है रेड लेवल फोर, तो यहाँ पे लेवल स्ट्राइपिंग होती है, ठीक है। लेवल स्ट्राइपिंग आप डिटेल में देख लीजिएगा, लेवल स्ट्राइपिंग विद डेडिकेटेड पैरिटी, ठीक है। तो डेडिकेटेड पैरिटी आपका लेवल थ्री में भी यूज हो रहा है, ठीक है। पर वहां पे क्या था, बाइट स्ट्राइपिंग, यहाँ पे क्या है, लेवल स्ट्राइपिंग, ठीक है, विद डेडिकेटेड पैरिटी, ओके। तो ये हो गया हमारा रेड लेवल फोर। अब फाइव की बात करें तो फाइव जो है आपका ब्लॉक लेवल स्ट्राइपिंग करता है, कैसा, ब्लॉक लेवल स्ट्राइपिंग, ठीक है। तो स्ट्राइपिंग ही हो रहा है पर अलग अलग, जैसे यहाँ से अगर हम टू से शुरू करें तो बिट लेवल, देन बाइट लेवल, देन लेवल स्ट्राइपिंग एंड देन ब्लॉक लेवल स्ट्राइपिंग, ठीक है। तो उसके बाद आपका आता है रेड लेवल सिक्स। रेड लेवल सिक्स किस तरीके से काम कर रहा है, यहाँ पे आपका डिस्ट्रीब्यूटेड डबल पैरिटी का कंसेप्ट आ जाता है। सो यहाँ पे आप क्या यूज़ कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड डबल पैरिटी। तो चलो अब क्वेश्चन देखते हैं, क्या क्वेश्चन को सॉल्व हो पाएगा। इज नॉट ट्रू अबाउट द रेड फैमिली बिकॉज इट डज नॉट इंक्लूड रिडंडेंसी टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस। आपका कौन सा मेथड है, कौन सा वाला रेड है जो रिडंडेंसी नहीं कंटेन करता, तो ऑब्वियसली अभी मैंने बताया देर इज़ नो रिडंडेंसी इज इन द रेड लेवल जीरो, ठीक है, ओके। वुड ओनली बी एन इफेक्टिव चॉइस इन एनवायरमेंट विच इन विच मेनी डिस्क एरर्स अकर। तो कौन से रेड लेवल को आप यूज़ करेंगे ऐसे एनवायरमेंट में जहाँ पे बहुत सारे डिस्क एरर्स आपके आ रहे हैं, तो वहाँ पे हम कौन सा यूज़ करते हैं, रेड लेवल टू, ठीक है। अब नेक्स्ट है, इन विच स्कीम टू डिफरेंट पैरिटी कैलकुलेशंस आर कैरीड आउट ऑन एन स्टोर्ड सेपरेट ब्लॉक ऑन डिफरेंट डिस्क, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है ये ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है। सो आपका जो रेड लेवल सिक्स है, ठीक है, इसमें इट यूजेस टू डिफरेंट पैरिटी कैलकुलेशंस दैट आर कैरीड आउट ऑन स्टोर्ड इन सेपरेट ब्लॉक्स ऑन डिफरेंट डिस्क। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगी, आपके ये जो रेड लेवल फाइव है, रेड लेवल फाइव में ब्लॉक लेवल स्ट्राइपिंग विद डिस्ट्रीब्यूटेड पैरिटी होता है,
ठीक है। देखो यहाँ पे 6 में क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड डबल पैरिटी है, और 5 में ब्लॉक लेवल स्ट्राइपिंग विद डिस्ट्रीब्यूटेड पैरिटी है, ठीक है। हियर पैरिटी रोटेट्स अमंग द ड्राइव, ठीक है। तो ये आपका हो गया ऑप्शन नंबर 6 करेक्ट। ओके अब यहाँ पे 2 डिफरेंट पैरिटी की बात हो रही है ना, तो क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटेड डबल पैरिटी, अगर यहाँ पे 2 डिफरेंट पैरिटी की बात नहीं होती, तो अगर हम ये सिंपल इसे डिस्ट्रीब्यूटेड पैरिटी के कंसेप्ट की बात करते तो रेड लेवल 5 हो जाता, ठीक है, विद ब्लॉक लेवल स्ट्राइपिंग। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, 2 डिफरेंट पैरिटी मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड डबल पैरिटी की बात हो रही है, तो इसका मतलब आपके पास ये ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 5 के बारे में ध्यान रखिएगा कि पैरिटी रोटेट्स अमंग द ड्राइव्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, रेट के क्वेश्चन खत्म, हम आगे बढ़ते हैं। विच पॉलिसी इज यूज टू सेलेक्ट IU रिक्वेस्ट दैट रिक्वायर्स द लीस्ट मोमेंट ऑफ द डिस्क आर्म फ्रॉम इट्स करेंट पोजिशन। तो आपके पास ये सारे शेड्यूलिंग मेथड्स दिए गए हैं, इसमें से कौन सा मेथड ऐसा है जो मोमेंट के लिए ये देखता है कि कहाँ कौन से रिक्वेस्ट के लिए मुझे कम से कम मूवमेंट करना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली आप यहाँ पे कौन सा लेके चलेंगे, शॉर्टेस्ट सर्विस टाइम फर्स्ट, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच पॉलिसी व्हेन लास्ट ट्रैक हैज बीन विजिटेड इन वन डायरेक्शन द आर्म इज रिटर्न टू द अपोजिट एंड ऑफ द डिस्क एंड द स्कैन बिगिंस अगेन। तो ये आपका है सर्कुलर स्कैन, ठीक है, मुझे इसे बहुत एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, मेरे ख्याल से ये क्योंकि इंपॉर्टेंट है तो आप लोगों ने ऑलरेडी देखा होगा। तो सर्कुलर स्कैन में ये कुछ ऐसे करते हैं, यहाँ पहुँचे फिर यहाँ पहुँचे ऐसे पहुँचे, ठीक है, ऐसा कुछ, ठीक है। नेक्स्ट, विच वन मे बी एडिक्वेट इफ द प्रोसेस परफॉर्म रैपिड बर्स्ट ऑफ IU, ठीक है। तो इसके लिए आपका जो करेक्ट आंसर है दैट इज डबल बफरिंग, ठीक है, विच मे बी एडिक्वेट इफ द प्रोसेस परफॉर्म रैपिड बर्स्ट ऑफ इनपुट आउटपुट, ठीक। तो आपके पास देखिए सिंगल बफरिंग है, सर्कुलर बफरिंग है, डबल बफरिंग है, तो नाम से ही पता चल रहा है 2 बफर यूज़ किए जाएंगे, यहाँ पे सिंगल बफर यूज़ होगा, यहाँ पे सर्कुलर बफरिंग। आप इसको प्रोड्यूसर कंड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम आपको पता है, तो वही आपका सर्कुलर बफरिंग होता है। अब मैं पहले ये बात कर लूँ कि व्हाट इज़ बफरिंग, ठीक है। सो बफरिंग जो होता है, इट इज़ द स्मॉल एरिया ऑफ रैम विच इज़ यूज टू स्टोर डेटा टेम्प्ररी वाइल डेटा ट्रांसफर फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर इज़ कॉल्ड द बफरिंग, ठीक है। जब आपका देखो, जब एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है, तो 2 डिवाइसेस की क्योंकि स्पीड डिफरेंट हो सकती है, भाई CPU की जो स्पीड है वो अलग है, आपके साथ जो पेरिफेरल डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं, उनकी स्पीड कम है, ठीक है, इन कंपेरिजन टू प्रोसेसर। तो इस वजह से स्पीड का मिसमैच जो है, ये हैंडल करने के लिए हम बफरिंग के कंसेप्ट को यूज़ करते हैं। मतलब हम यहाँ पे जैसे हमारी IO डिवाइस है और ये हमारे पास प्रोसेस है, ठीक है, प्रोसेस आपका CPU हैंडल कर रहा है, तो इनके बीच में हम एक बफर लगा देते हैं ताकि इनके बीच में जो स्पीड का गैप है वो बैलेंस हो जाए, ठीक है। तो स्लोअर एंड फास्टर डिवाइसेस के बीच में हमें बफर को यूज़ करना पड़ता है, और ये बफर का एरिया हम कहाँ प्रोवाइड करते हैं, आप इसे प्राइमरी मेमोरी में प्रोवाइड करेंगे, मतलब रैम में आप बफर एरिया डिवाइड मतलब डिसाइड करते हैं। और इसका यूज़ क्या है, इट इज़ यूज टू स्टोर डेटा टेम्प्ररी वाइल डेटा इज ट्रांसफरिंग फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस, ओके। तो और ये डेटा को स्टोर करने का जो प्रोसेस है इसे हम कहते हैं बफरिंग, ठीक है, बफर में डेटा स्टोर करने के प्रोसेस को हम कहते हैं बफरिंग। और ये क्यों कर रहे हैं, ताकि 2 डिवाइसेस के बीच में जो स्पीड का अलग गैप है वो हम मैनेज कर पाए, ठीक है। अब सिंगल बफरिंग में सिंगल बफर यूज़ करते हैं, ठीक है, तो जैसे अगर हम प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम लें और हमने कहा एक सिंगल बफर है, तो या तो एक टाइम पे प्रोड्यूसर इस पे काम कर पाएगा या तो एक टाइम पे कंज्यूमर काम कर पाएगा, ये इसका ड्रॉबैक था। अब 2 हमने बफर लगा लिए, ठीक है, फिर भी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, उसका आप थोड़ा सा डिटेल में देखिएगा, हम इसको बहुत डिटेल में नहीं डिस्कस कर सकते हैं अभी। तो हमने क्या किया, 2 से ज़्यादा जब हम बफर्स यूज़ कर लेते हैं, अगर आपको पता हो बाउंडेड बफर प्रॉब्लम को ही प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम कहा जाता है, तो प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम आपका आप कहिए कि सर्कुलर बफरिंग ही है, ठीक है, तो आप इसको रिलेट करके समझेंगे तो आपके लिए चीज़ें ज़्यादा आसान होंगी, ठीक है। चलिए हम लोग आगे आते हैं। ओके, व्हेन अ यूज़र प्रोसेस इशूज एन IO रिक्वेस्ट द ऑपरेटिंग सिस्टम असाइन अ बफर इन द सिस्टम पोर्शन ऑफ मेन मेमरी टू द ऑपरेशन दैट इज कॉल्ड डबल बफर। ओके एक सेकेंड,
डबल बफर, सिंगल बफर, लीनियर बफर एंड सर्कुलर बफर। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाता है? सिंगल बफर। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है कि विच लेयर डील्स विद द लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ फाइल्स एंड विद द ऑपरेशंस दैट कैन बी स्पेसिफाइड बाय द यूजर्स सच एज ओपन, क्लोज, रीड एंड राइट। तो फाइल से रिलेटेड है, फाइल के सारे ऑपरेशन हैं, ओपन, क्लोज, रीड एंड राइट एंड फाइल स्ट्रक्चर। तो ऑब्वियसली ये फाइल सिस्टम से ही रिलेट करेगा, कहीं फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्टली मैनेजमेंट इससे कोई मतलब नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है। ठीक है, फाइल सिस्टम लेयर डील्स विद द लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ फाइल्स एंड विद द ऑपरेशन दैट कैन बी स्पेसिफाइड बाई द यूजर्स सच एज ओपन, क्लोज, रीड एंड राइट। फाइन, चलो अब आपको मैं दिखाती हूँ कि व्हाट आर लेयर्स। तो सबसे पहले आपका बेसिक फाइल सिस्टम है, इसके बाद आपका आता है, ये आपका फाइल सिस्टम स्ट्रक्चर है। ठीक है, क्या है? फाइल सिस्टम स्ट्रक्चर, ये लेयर्स है। ठीक है, तो फाइल बेसिक फाइल सिस्टम, इसके बाद आपका लगा हुआ है एक्सेस कंट्रोल मॉड्यूल, फिर आपका लॉजिकल फाइल सिस्टम होता है, लॉजिकल फाइल सिस्टम के बाद आपका फिजिकल फाइल सिस्टम आता है, और इसके बाद आपका है डिवाइस इंटरफेस मॉड्यूल एंड देन योर हार्डवेयर और डिवाइस। तो ये आपका लेयर्ड स्ट्रक्चर है कि फाइल सिस्टम या फाइल ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से काम करता है। ठीक है, लेवल बाय लेवल। चलिए, तो मैंने आपको स्ट्रक्चर दिखा दिया है, अब देखते हैं हम लोग किसका क्या आंसर होगा। तो उसी स्ट्रक्चर से ही रिलेटेड आपको यहाँ पे क्वेश्चंस मिलेंगे। फाइन, चलिए, तो विच मॉड्यूल डील्स विद द डिवाइस एज अ लॉजिकल रिसोर्स एंड इज नॉट कंसर्न विद द डिटेल्स ऑफ एक्चुअली कंट्रोलिंग द डिवाइस। ठीक है, तो अगर हम लॉजिकल रिसोर्स की बात कर रहे हैं तो टर्म दैट इज बींग यूज लॉजिकल रिसोर्स। ठीक है, तो लॉजिकल रिसोर्स की बात हो रही है, तो इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? लॉजिकल आई यू। द लॉजिकल आई यू मॉड्यूल डील्स विद द डिवाइस एज अ लॉजिकल रिसोर्स एंड इज नॉट कंसर्न विद द डिटेल्स ऑफ एक्चुअली कंट्रोलिंग द डिवाइस। और जो कंसर्न होगा विद एक्चुअल कंट्रोल ऑफ डिवाइस, वो आपका क्या हो जाएगा? डिवाइस इनपुट आउटपुट, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। सो इन विच मॉड्यूल द विच पार्ट द रिक्वेस्टेड ऑपरेशन एंड डेटा आर कन्वर्टेड इन टू अप्रोप्रिएट सीक्वेंस ऑफ आई यू इंस्ट्रक्शन, चैनल कमांड्स एंड कंट्रोलर ऑर्डर्स। तो ये सारे आपके कब जरूरत है? जब आप हार्डवेयर लेवल पे इंटरैक्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो हार्डवेयर लेवल या फिजिकल एक्टिविटीज से रिलेटेड क्या होगा आपका? डिवाइस आईओ। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर सी है, ये आपकी करेक्ट है। लॉजिकल रिसोर्स जो है, मतलब जहाँ पे हम लॉजिकली चीज़ों को देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी, लॉजिकल मॉड्यूल डील विद द डिवाइस एज लॉजिकल रिसोर्स। ठीक है, लेकिन जो आपका डिवाइस आईओ है, ठीक है, इन डिवाइस आई यू रिक्वेस्टर ऑपरेशन एंड डेटा आर कन्वर्टेड इन टू अप्रोप्रिएट सीक्वेंस ऑफ आई यू इंस्ट्रक्शन, चैनल कमांड्स एंड कंट्रोलर ऑर्डर्स। ठीक है, अब इसे लेयर्ड स्ट्रक्चर से एक और लास्ट क्वेश्चन है। एट द लेयर ऑफ क्वेश्चन मार्क, सिम्बलिक फाइल नेम्स आर कन्वर्टेड टू आइडेंटिफायर्स दैट आइदर रेफरेंस फाइल डायरेक्टरी और इनडायरेक्टली टू अ फाइल डिस्क्रिप्टर और इंडेक्स टेबल। तो आपको इसको गेस कर लेना चाहिए, जहाँ पे भी हमारा डायरेक्टरी वगैरह की बात आ रही है, चीज़ों के हम जो फाइल्स हैं उनको डायरेक्टरी के फॉर्म में ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये कहाँ पे जाएगा? आपका डायरेक्टरी मैनेजमेंट का पार्ट होगा। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बिल्कुल इंट्रोडक्शन वाले पार्ट से क्वेश्चंस हैं। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। सो इज अ प्री एलोकेशन स्ट्रेटजी using variable size portions where the file allocation table needs just a single entry for each file showing the starting block and the length of file. तो आप इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, आपके पास जो file allocation methods है तीन है, एक होता है एक को कहते हैं contiguous allocation, ठीक है, contiguous allocation, और दूसरा आपका होता है chained allocation या जिसे आप कहते हैं linked list allocation, ठीक है, और अगला वाला आपका होता है, लास्ट वन होता है आपका इंडेक्स एलोकेशन। ठीक है, और ये जो सीक्वेंस कंटिन्यूस एंड लिंक्ड है, ये आपको सीक्वेंशियल एक्सेस प्रोवाइड करते हैं फाइल के ब्लॉक्स का, और इंडेक्स जो है ये रैंडम एक्सेस प्रोवाइड करता है। एक सेपरेट वीडियो है इसके रिगार्डिंग, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो जब कंटिगुअस एलोकेशन मेथड है जो डायरेक्टरी मेंटेन करता है, उसमें ये सिर्फ दो चीज़ें रखता है, एक कि स्टार्टिंग ब्लॉक कहाँ, मतलब किस ब्लॉक में, डिस्क में कौन से ब्लॉक से आप फाइल को स्टोर करना शुरू कर रहे हैं और उसकी लेंथ क्या है। तो ये आपका किसकी प्रॉपर्टी है? कंटिगुअस एलोकेशन। ठीक है, नेक्स्ट इज
on an individual block basis where each block contain a pointer to the next block chain. तो आप जानते हैं जो link allocation होता है ये क्या करता है, एक pointer maintain करता है. जैसे पहला block यहाँ store किया कि कहाँ से आप store करना शुरू कर रहे हैं, ये हम directory में store कर लेते हैं कि ये file का पहला block कहाँ store हो रहा है. उसके बाद हर ये जो file है अगला वाला ब्लॉक का ये पॉइंटर स्टोर करके रखेगी, ये जो है अगले वाले का पॉइंटर एंड सो ऑन. इस तरीके से जैसे लिंक लिस्ट आप बनाते हैं, और जो आपका कंटिगुअस वाला होता है ये एरे की तरह डेटा को स्टोर करता है, और जो आपका ये चेंड एलोकेशन या लिंक एलोकेशन होता है ये लिंक लिस्ट की तरह डेटा को स्टोर करता है. तो इस क्वेश्चन के लिए जो आपका आंसर है दैट इज चेंड एलोकेशन, कहीं कहीं लिंक लिस्ट एलोकेशन भी गिवन होगा. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं. इन विच मेथड द फाइल एलोकेशन टेबल कंटेन्स अ सेपरेट वन लेवल इंडेक्स फॉर ईच फाइल, द इंडेक्स हैज़ वन एंट्री फॉर ईच पोर्शन एलोकेटेड टू द फाइल. तो देखिए जो आपका इंडेक्स एलोकेशन यहाँ पे सही जवाब है. इंडेक्स एलोकेशन क्या करता है, आपके पास जो भी अवेलेबल स्पेस है, ठीक है, जो भी अवेलेबल स्पेस है जहाँ पे भी जगह मिलेगी या फाइल को ऐसे ऐसे स्टोर कर देगा, बिखेर दिया. ठीक, आप हर एक पार्ट को कहाँ कहाँ स्टोर कर रहे हैं उसके लिए हम एक सेपरेट इंडेक्स टेबल बना लेते हैं. हर एक फाइल का अलग अलग इंडेक्स टेबल बनता है और उस इंडेक्स को हम स्टोर कर देते हैं किसी एक डिस्क ब्लॉक में, और उसके बाद जो डायरेक्टरी होती है उसमें हम स्टोर करते हैं फाइल नेम और जो वो एड्रेस जहाँ पे आपने इंडेक्स फाइल को स्टोर किया हुआ है. ठीक है, मेरे ख्याल से आपने देखा ही होगा. सो इसके लिए आपका जो होता है इंडेक्स एलोकेशन बिल्कुल सही. ठीक है, तो हम लोग एकदम एंड पे हैं. चलिए कुछ शायद ये तो देख लिया नहीं, कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस. एन अल्टरनेटिव इज टू ऑर्गेनाइज द सिक्वेंशियल फाइल फिजिकली. सिक्वेंशियल फाइल को अगर आप फिजिकली स्टोर करना चाहते हैं तो किस तरीके से स्टोर कर सकते हैं, लिंक लिस्ट के तरीके से स्टोर कर सकते हैं. अभी हमने देखा हमने चेंड एलोकेशन में. सो विच वन इज क्वेश्चन मार्क आर टिपिकली यूज इन बैच एप्लीकेशंस एंड जनरली ऑप्टिमम फॉर सच एप्लीकेशन इफ दे इन्वॉल्व प्रोसेसिंग ऑफ ऑल द रिकॉर्ड्स. तो इसका जो सही जवाब है दैट इज़ योर सीक्वेंशियल फाइल्स. ठीक है, सीक्वेंशियल फाइल्स आपके बैच एप्लीकेशंस के लिए यूज़ की जाती हैं. ठीक है, एंड ये जो भी आपका क्राइटेरिया गिवन है एंड जनरली ऑप्टिमल फॉर सच एप्लीकेशन दे इन्वॉल्व द प्रोसेसिंग ऑफ ऑल द. भाई सीक्वेंशियल फाइल आपका जहाँ पे सारे के सारे फाइल्स चाहिए, ठीक है, उसी केस में आप सीक्वेंशियली चीज़ों को चाहते हैं, तो ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट हियर. फाइन, डायरेक्ट्रीज, pricing tables, schedules and name list are example of, these are example of random files. Fine, chaliye next aate hain. An alternative user or a process has associated with path name is a current directory which is often referred to as. To abhi ab jis abhi jo existing directory jis pe aap currently kaam kar rahe hain use aap kya kehte hain, that current directory ko aap working directory bhi keh sakte hain jis pe abhi hum work kar rahe hain. theek hai, so which one is this or small fixed partitions which provide greater flexibility which may require large table or complex structure for their allocation. So here answer is blocks. theek hai, blocks are small fixed portion which provide greater flexibility which may require large tables or complex structure for their allocation. So that's all about the IO management and the scheduling MCQs. agar aapko video pasand aaye to aap mere video ko like kariyega, channel ko subscribe kijiyega aur doston ke sath zarur share kijiyega. thank you guys, thank you for watching, bye bye, take care.